अच्छा, हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है इस बार नगर निगम चुनाव में, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हिंदू एकता को बढ़ाना है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कुछ और करना है। लूट का अड्डा बनाए हुए है नगर निगम का, लेकिन अन्य जो प्रत्याशी है चुनाव ही के समय में क्यों? सवाल यहाँ है, रोड कैसा लगता है? आप तो पैदल घूम रहे हैं, रोड का स्थिति दयनीय हो गया है एमएलसी साहब। हम दिखा रहे हैं मट्टी निकल रही है, गिट्टी निकल रही है रोड में से। कार्रवाई कीजिएगा, भवा बनेगी तो कार्रवाई करेंगे, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगा। गोड़ ला करके लोगों को वोट लेने के लिए आखिर चुनाव के ही समय में, केवल चुनाव के बाद फिर लोग आएंगे? किस तरीके से अब नई आकृति दी जाएगी, नई आकृति के लिए तैयार हो गए हैं सर? एकदम तैयार है, सब लोग तैयार है यहाँ का। कितने सालों में बन जाएगा? मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं हम लोग, कोई जाति धर्म से कोई, सब लोग को वोट मांगना है, सब लोग से आशीर्वाद लेना है, इसमें हिंदू मुस्लिम का कहाँ बात। रोड देख लीजिए, रोड का हाल, ये रोड का हाल देख लीजिए तस्वीर। अभी हम लोग धर्मन चौक पे हैं और राधाचरण सेठ जो हैं वो निकले हुए हैं नीलम देवी के प्रचार में, अपनी भवा के प्रचार में, और लोगों से वोटों के लिए अपील कर रहे हैं। आरा में राधाचरण सेठ यानी कि एमएलसी आरा बक्सर निकले हुए हैं, माँ अरण्य देवी इधर जाता है रास्ता, और पीछे में गोला, और बीच बाजार में व्यवसायी लोगों से, आम लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं नीलम देवी के लिए। तस्वीर हुजूम लोगों का इनके साथ जिस तरीके से लगा हुआ है वो भी हम आपको दिखा दें। तो इस तरीके से जब आरा में निकल चुके हैं एमएलसी साहब, तो क्या कुछ कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का, कैसा समर्थन मिल रहा है? अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोग अच्छा अपना आशीर्वाद देकर नीलम देवी को मेयर बनाएंगे। अच्छा, कई सारे लोग कह रहे हैं कि अब सेठ जी निकल गए हैं तो वोट परिवर्तन हो सकता है, सेठ जी निकल गए हैं तो अब लग रहा है कि झुकाव इधर है। तो अभी तक माहौल शांत था, नीलम देवी का प्रचार जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से मार्केट में नहीं हो पा रहा था, अब आप निकल गए हैं, क्या कुछ? अरे लोगों पर विश्वास है, हम पर विश्वास लोगों का है, तो जरूर हमारा पूरा विश्वास है कि आशीर्वाद लोग देकर नीलम देवी को विजयी बनाएंगे। क्या क्या कमी लगता है? रोड देख लीजिए, रोड का हाल, ये रोड का हाल देख लीजिए। जरूर आरा का नगर निगम का विकास होगा, रोड नली गली का पक्कीकरण होगा, भ्रष्टाचारियों को नगर निगम से उखाड़ फेंकना है, जो लूट का अड्डा बनाए हुए है नगर निगम का। रोड कैसा लगता है? आप तो पैदल घूम रहे हैं, रोड का स्थिति दयनीय हो गया है एमएलसी साहब। हम दिखा रहे हैं मट्टी निकल रही है, गिट्टी निकल रही है रोड में से। हाँ, तो यहाँ लूट घसोट बहुत हुआ है नगर निगम में, भ्रष्टाचारियों का मन बढ़ा हुआ है, बहुत लोग यहाँ नगर निगम का जितना भी विकास का पैसा है लूट कर अपने को मालोमाल लोग हुए हैं। कार्रवाई कीजिएगा, भवा बनेगी तो कार्रवाई करेंगे, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगा। माँ अरण्य देवी मंदिर में ये प्रवेश कर रहे हैं, माँ अरण्य देवी मंदिर का द्वार जो है ये सामने है, और सब कोई का आशीर्वाद लेते हुए, लोगों का आशीर्वाद लेते हुए माँ अरण्य देवी मंदिर पर आशीर्वाद लेते हुए। देखिए हाकिम प्रसाद भी हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, तो अभी आप लोग जा रहे हैं माँ अरण्य देवी का आशीर्वाद लेने के लिए, कैसा समर्थन है? बड़े भाई का आशीर्वाद मिल रहा है, माँ अरण्य देवी का हम लोग भक्त है, बराबर आशीर्वाद रहा है, और अभी माँ अरण्य देवी का जीर्णोद्धार हो रहा है, मेरे बड़े भाई इसके अध्यक्ष है सेठ जी का। ये देखिए तो तस्वीर हम दिखा दे कि सेठ जी का जो है आशीर्वाद ले रहे हैं माँ अरण्य देवी मंदिर में, और अंदर में परिवेश किए हुए हैं महा सेठ जी एमएलसी आरा बक्सर के। देखिए माँ अरण्य देवी का आशीर्वाद वो प्राप्त कर रहे हैं। राधाचरण सेठ जो है माँ अरण्य देवी मंदिर के ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं एमएलसी साहब, और उनके भाई भी जो है वो भी मौजूद हैं, और आशीर्वाद सुशांत बाबा जो है वो यहाँ पे आशीर्वाद जो है माँ अरण्य देवी का इनको दे रहे हैं। आशीर्वाद प्राप्त हुआ है लोगों को? जी बिल्कुल, हम माता से यही कामना करते हैं कि हमारी जो चाची जी हैं भाभी मेयर बने हमारे आरा नगर निगम की। आशीर्वाद पूरा मिल रहा है? बिल्कुल, माँ का अरण्य देवी मंदिर और हमारे पूरे आरा की जनता का आशीर्वाद है कि हमारी चाची जी आरा की भाभी मेयर प्रत्याशी हैं और उनको विजयी बनाए। बिल्कुल, आशीर्वाद यहाँ से मिल गया सर। हाँ, तो सब माँ की कृपा से सब कुछ होता है। धार में बहुत बड़ा योगदान भी आप कर रहा है पूरा, मतलब अभी जो नया जिस तरीके से है उसके ट्रस्ट के ट्रस्टी अध्यक्ष भी आप हैं, कई सारे चीज़ों को आप कर रहे हैं, आज आशीर्वाद भी लेने। सभी लोग यहाँ दान दे रहे हैं, सभी लोग जो विकास माँ के अरण्य देवी के मंदिर का जो विकास होगा सब लोग का योगदान है, हम लोग भी उस योगदान में खड़े हैं।
योगदान कर रहे हैं। अच्छा, हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है इस बार नगर निगम चुनाव में, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हिंदू एकता को बढ़ाना है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कुछ और करना है। इसे हम लोग तो चाहेंगे कि सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं, हम लोग कोई जाति धर्म से कोई, सब लोग को वोट मांगना है, सब लोग से आशीर्वाद लेना है, इसमें हिंदू मुस्लिम का कहाँ बात है। जिसको पसंद पड़ेगा, जिसको लोग चाहेंगे आशीर्वाद देंगे, वो चुनाव जीत कर मेयर लोग बनेगा। आशीर्वाद प्राप्त हो गया, कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। सब एक है भाई, हम तो कह रहे हैं कि सब लोग एक है, सब लोग एक है, लेकिन प्रत्याशी लोग ही अलग अलग बांट देते हैं। हम लोग तो चुनाव के पहले भी आते हैं, दशहरा में बराबर महीना 5 दिन 7 दिन पाते हैं माँ का दर्शन करने, अन्य जगह भी जाते हैं, सब जगह माथा टिकते हैं, लेकिन अन्य जो प्रत्याशी हैं चुनाव ही के समय में क्यों? सवाल यहाँ है, सवाल इस बात की नहीं है कि ये आप नहीं कर रहे हैं, माने धर्म और जाति की राजनीति आप नहीं कर रहे हैं, अगले लोग कर रहे हैं जो चुनाव के समय में भुनाना चाह रहे हैं। केवल थी गोड़ ला करके लोगों को वोट लेने के लिए, आखिर चुनाव के ही समय में, केवल चुनाव के बाद फिर लोग आएंगे, इसलिए इसमें कहीं भटकने की जरूरत है, भटाकू नहीं है। कौन लोग आरा के लोग जानते हैं कि किसके द्वारा, बहुत से लोग एकाध गो प्रत्याशी के अभिभावकों लोगों से मैंने देखा है डिबेट में कि मैं माँ अरण्य देवी का जीर्णोद्धार कर रहा हूँ, तो मैं एक आदमी का बस का बात है, एक माध्यम होते हैं लोग, कोई अगहरिया चलता है, पीछे सारे जमाना के लोग रहते हैं, सब लोग का पैसा लगता है, अथी होता है बात। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा दे, सेठ जी के साथ पूरा कुनबा जो है वो माँ अरण्य देवी मंदिर का आशीर्वाद ले रहा है और माँ अरण्य देवी मंदिर का जनोद्धार भी हो रहा है। देखिए ऊपर में दिखा दें कि किस तरीके से अब नई आकृति दी जाएगी, नई आकृति के लिए तैयार हो गए हैं सर? नई आकृति एकदम एकदम तैयार है, सब लोग तैयार है यहाँ का। कितने सालों में बन जाएगा या कितने दिनों? 2 साल के अंदर में बन जाएगा, 2 साल के अंदर में पूरा बन जाएगा। हाँ, आधुनिक तरीके से बन रहा है सर? हाँ एकदम बहुत अच्छा से माँ का मंदिर, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है माँ अरण्य देवी का मंदिर जो है अब जनोद्धार हो रहा है। और यहाँ पे माँ अरण्य देवी मंदिर के कक्ष से हम आप सभी से अलविदा लेते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। तस्वीर दिखाइए किस तरीके से लोग जो हैं, जनसैलाब जो है वो अब उमड़ा है, क्या परिवर्तन की लहर है, क्या लगता है आपको निगम चुनाव किसकी ओर झुकाव जा रहा है, क्या लगता है नीलम देवी जो इस बार चुनाव में खड़ी हो रही हैं, उनको किस तरीके से लोग जो हैं इस बार जो है चुन के लेके आ रहे हैं, ये सारी बातें जो हैं बहुत ही सोचने वाली बात होगी। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि हिंदू एकता जिंदाबाद, मुसलमान के बारे में भी कई सारी बातें की जा रही है, लेकिन यहाँ पे राधाचरण सेठ जी ने कह दिया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग परिवर्तन की लहर लाएंगे आरा नगर निगम में। ये बहुत बड़ा बयान जो है MLC साहब ने, आरा बक्सर MLC साहब ने दिया है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार। मैं रैना सिंह, माँ अरण्य देवी मंदिर के कक्ष से आप सभी को दिखा रहे थे आरा नगर निगम का चुनाव का मौसम कैसा चल रहा है। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।